दोस्तों मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन यूपी के जूनियर एडिट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। देखिए यहाँ पे जो टर्म है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी और ये सारे के सारे जो टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में कहाँ तक गए हैं, x माइनस जेड तक गए हैं। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है उन्होंने कैसे आंसर किया है मैं ये बता देता हूँ। देखिए जिन बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है उन्होंने सोचा है कि ए बी सी डी करते हुए जेड तक जा रहे हैं तो ए बराबर अगर हम 1 रख लेते हैं, ए बराबर 1 होगा तो करते करते जेड कितनी बार आएगा, 26 बार। तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर जाएगी, जो एक्स की मैक्सिमम पावर जाएगी वो कितनी जाएगी, 26 जाएगी। एक्स की जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो 26 जाएगी और बच्चों ने यहाँ पे 26 टिक लगा दिया। ठीक है, 26 टिक लगा दिया जबकि ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है अभी मैं बता देता हूँ, ये आंसर आपका गलत है। अब क्यों गलत है ये देख लीजिए, अगर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी करते करते जा रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं एक टर्म यहाँ पे लास्ट में बढ़ेगा, x माइनस एक्स भी दो आएगा बीच में एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में और x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे भी गलत हो जाएगा बच्चों का क्योंकि x माइनस ए किया है फिर x माइनस बी और फिर x माइनस सी और करते करते यहाँ पे जीरो आ गया है। अब जीरो से कोई चीज संख्या मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ने जैसे ही आंसर जीरो निकला सारे बच्चों ने क्या लगा दिया, आंसर नंबर 3 लगा दिया जबकि आंसर नंबर 3 भी आपका गलत है। आंसर नंबर 3 भी आपका गलत है। अब क्यों गलत है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने इसका हल निकाला है जीरो, x की पावर नहीं निकाली है। यहाँ पे पूछा गया गया था x की डिग्री बताइए, x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इस चीज का हल जीरो है तो x की कौन सी पावर होगी जो जीरो को डिफाइन करती होगी, ये बताइएगा मुझे कि x की कौन सी पावर है जो जीरो बन जाएगी। x की कोई भी ऐसी पावर नहीं हो सकती जो जीरो बन जाए, या तो x खुद जीरो रहे या तो x खुद जीरो रहे तो जीरो की पावर n जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है क्योंकि x ही अगर जीरो हो जाएगा तो वाकई में फिर कोई पावर बनेगी ही नहीं x की। ठीक, दूसरी बात ये यहाँ पे बच्चों के ये समझ में आ रहा होगा कि हम x की पावर जीरो क्यों ना कर दें, x की अगर हम पावर जीरो कर देंगे तो बेटा किसी की भी पावर जीरो जो होती है ना वो उसका मान वन आता है, उसका मान कितना आता है, वन आता है। अगर किसी की भी पावर जीरो कर दें तो उसका मान हमेशा ऑलवेज वन आएगा। ठीक है, तो इस चीज में डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। ये एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है जो कई एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, एसएससी वगैरह में भी पूछा गया है। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।